हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी क्लासेस बाय डॉक्टर के साहू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं फार्माकोलॉजी से एक सिंपल सा क्वेश्चन, जो कि है तो सिंपल बट कभी कभी स्टूडेंट इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बना नहीं पाते इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है बहुत बार एग्जाम में। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शोज होफमैन इलिमिनेशन। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इनमें से कौन सा ड्रग है जो कि होफमैन इलिमिनेशन शो करता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए एट्रक्यूरियम, ऑप्शन बी फेनिटोइन, ऑप्शन सी वारफ्रिन, या फिर ऑप्शन डी आइसोनियाजिड। तो पहले तो मैं बता दूं आप लोगों को कि होफमैन इलिमिनेशन क्या होता है। देखिए, जब भी हम ड्रग एलिमिनेशन की बात करते हैं तो उसको मेटाबॉलिज्म फेस करना पड़ता है। ठीक है, तब जाके वो इलिमिनेट होगा बॉडी से। और मेटाबॉलिज्म जैसे कि हम पढ़ते आए हैं, फेज़ वन रिएक्शन, फेज़ टू रिएक्शन, है ना, माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल इंजाइम्स के हेल्प से ये सब फेज़ वन और फेज़ टू रिएक्शन होता है। देन उसके बाद उसमें कोई केमिकल मॉडिफिकेशन होता है और वो बॉडी से एक सॉल्युबल फॉर्म में निकलता है, वाटर सॉल्युबल फॉर्म में। ठीक है, कोई भी ड्रग बॉडी से इलिमिनेट होगा तो वो वाटर सॉल्युबल के फॉर्म में ही निकलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एक सिंपल वे ऑफ इलिमिनेशन ऑफ द ड्रग। तो किसी ना किसी इंजाइम्स का हेल्प हमको लेना ही पड़ता है, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, जब भी कोई ड्रग बॉडी पे एब्जॉर्ब हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, अलग अलग पार्ट में अपना एक्शन वो दे दिया, देन अब वो मेटाबोलाइज होके इलिमिनेट होता है थ्रू एंजाइमेटिक एक्शन। ठीक है, इट इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस। बट होफमैन इलिमिनेशन हमको क्या बताता है कि कोई भी ड्रग इलिमिनेट हो सकता है विदाउट द एड ऑफ एनी एंजाइमेटिक एक्शन। ठीक है, होफमैन इलिमिनेशन में यही हमको जानना है कि ड्रग जो इलिमिनेट हो रहा है उसमें जो केमिकल चेंजेस आ रहा है, उसमें जो मॉडिफिकेशन हो रहा है या रीअरेंजमेंट हो रहा है स्ट्रक्चर का, वो विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एंजाइम। ठीक, तो बहुत कम ही ड्रग ऐसे होफमैन इलिमिनेशन वे से इलिमिनेट होते हैं बॉडी से जिसमें कोई एंजाइम का हेल्प नहीं चाहिए रहता हमको। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है एट्रक्यूरियम, ऑप्शन ए एट्रक्यूरियम। एट्रक्यूरियम एक प्रकार का स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट ड्रग है जो कि होफमैन इलिमिनेशन से इलिमिनेट होता है बॉडी से। आप सोच रहे होंगे कि अब एंजाइम का हेल्प तो नहीं चाहिए इसमें, तो फिर वो मेटाबलाइज कैसे हो रहा है बॉडी पे? तो प्लाज्मा में कुछ केमिकल्स, कुछ प्रोटीन्स के हेल्प से वो ऑटोमेटिक रीअरेंजमेंट या फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन आता है, वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वाटर सॉल्युबल बनता है, वो बॉडी से निकल सकता है। तो इसका एक फ़ायदा हो सकता है, एडवांटेज हो सकता है हमें। क्या हो सकता है वो? देखिए, जब कुछ अगर हमें रेनल प्रॉब्लम है या फिर हेपेटिक इनसफिशियंसी हुआ है, लीवर ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, या रेनल जो माइक्रोसोमल एंजाइम प्रेजेंट इन लोगों को करना था, देना था बॉडी को, वो नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली, तो भी ये ड्रग इलिमिनेट होगा, है ना, क्योंकि इसमें हेपेटिक एंजाइम रेनल एंजाइम का जरूरत है ही नहीं। ठीक, तो ये एक फ़ायदा हो जाता है। तो एट्रक्यूरियम एक ड्रग है जो कि होफमैन इलिमिनेशन से बॉडी से निकलता है। तो और भी जो ड्रग है जैसे कि मेवाक्यूरियम, सिसाक्यूटेरियम, ये सब ड्रग भी उसी वे से इलिमिनेट होते हैं बॉडी से। ये सब भी आप लोग याद रखिए एट्रक्यूरियम के साथ। बाकी एट्रक्यूरियम को पूछा जा चुका है एक बार क्वेश्चन, है ना, एग्जाम पे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। आई होप आप लोग को कुछ समझ आया हो, कुछ सीखे हो इस वीडियो के थ्रू। मीट यू सोन ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून ऑन माई चैनल। थैंक यू।